joining me right now is Jagbir Singh. He is one of the key eyewitnesses. There are over 100 eyewitnesses that have been put forth by the wrestlers. He is one of them. He's joining us now. He is a referee now, an international referee where wrestling is concerned. Earlier on, he has also been the coach of the men's India men's team. I spoke to him a short while ago. Jagbir ji, bahut shukriya sir, aap humse jude. एक की आई विटनेस कहते हैं आप, वो हैं इस पूरे केस में. जगबीर जी, सबसे पहले आप यही बताइएगा, क्या आपने कभी ब्रिजभूषण शरण को फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज करते हुए देखा है महिलाओं को? कोई वाकया है जो आपको बिल्कुल याद है? लखनऊ में 25 मार्च 2022 की एक घटना है. एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी, सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल थी 25 मार्च 2022 को. ट्रायल के बाद एक फोटो सेशन होता है, जिस फोटो सेशन में प्रेसिडेंट था और कोचिज साहिबान थे, जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी था और टेक्निकल ऑफिशियल भी थे. तो फोटो सेशन जब शुरू हुआ तो एक महिला पहलवान प्रेसिडेंट ब्रजभूषण की बराबर में खड़ी थी और एक जो चीफ कोच था वो भी था. लेकिन थोड़ी ही देर में जब फोटो की तैयारी चल रही थी तो वो लड़की एकदम से छटपटाई, सबका ध्यान उधर गया. तो जिसमें मैंने भी देखा कि वो लड़की वहां से हट करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुई, तो वो लड़की अपनी भाषा में कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था कुछ, लेकिन होठ चल रहे थे, वो कुछ बड़बड़ा रही थी. और हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो ब्रजभूषण के हाथ ऐसी जगह लगे थे कि जहां पर लड़कियों को नहीं छूना चाहिए. जगबीर जी, उनके हाथ ब्रजभूषण शरण के ऐसी जगह लगे थे जो असहज था, आप ये कह रहे हैं. क्या दिनांक था, फिर से जरा डेट बताइएगा. 25 मार्च 2022 लखनऊ की घटना है ये. ये 25 मार्च 2022 वही दिन है जो एक जो महिला रेसलर कंप्लेनेंट है उन्होंने अपनी कंप्लेन में दर्ज की है, जिसके बिना पर एफआईआर है, उसी पे आप विटनेस हैं. क्या ये वही इंसिडेंट है उसी कंप्लेनेंट से रिलेटेड, उनमें से वही महिला रेसलर ने कंप्लेन की है जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उनमें से एक है. उनमें से एक है. जगबीर जी, आपने अभी जो 25 मार्च वाला वाकया है, जो 2022 का, जो अभी जिसके बयानों पे, जो महिला बयानों पे एफआईआर करी गई है, वो आपने बताया है कि आपकी आंख देखी है कि ब्रिजभूषण शरण ने अपना हाथ महिला रेसलर पे ऐसे रख रखा था कि बहुत ही भद्दा था और असहज था, ये आपने हमें अभी बताया है. जगबीर जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके संज्ञान में कोई और ऐसा वाक्या कभी हुआ है जो आप बिल्कुल क्लियरली हमें बता सकते हैं? देखिए, ये तो 2022 की घटना है. उससे पहले 2013 की एक घटना है, थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी 2013 में. वहां की घटना है, वहां पर भारतीय टीम ने एक उमदा प्रदर्शन किया था और वहां पर प्रेसिडेंट भी मौजूद था. तो प्रेसिडेंट ने बच्चों को कहा कि आपके लिए आज इंडियन फूड की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि थाईलैंड में सी फूड ज्यादा मिलता है, ऑयली फूड ज्यादा मिलता है. तो बच्चों ने वो कुछ ठीक नहीं लगा था, क्योंकि रेसलर्स जो हैं वो ज्यादा शाकाहारी होते हैं और दूध घी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं. तो उनके लिए रात को डिनर की व्यवस्था की गई इंडियन फूड्स की. तो जहां पर लड़कियों का होटल था, जहां पर खिलाड़ी रुके हुए थे, उस होटल में उस खाने की व्यवस्था की गई
और अध्यक्ष जी ब्रजभूषण जी और उनके जो साथी थे वहां के, थाईलैंड के ही थे, वो सारे नशे में चूर थे और उन्होंने बच्चियों को इस तरह से छुआ जाए जो हमारे समाज में बच्चियों को उस तरह से नहीं छुआ जाता। किसी बच्ची को पकड़ के कि आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपको मैं ये मदद करूंगा, आप बड़े पहलवान बनोगे, आपको बताइए किस चीज की जरूरत है, तो ऐसे बयानबाजी हुई। और हम भी उस जगह पर मौजूद थे, हम रेफरी के तौर पर गए हुए थे, वो हमने बहुत बुरा लगा था, वो एक बहुत बुरा सपना था।